हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे यूपी बिहार की सबसे फेमस डिश लिट्टी चोखा, जो बनाने में आसान और खाने में बाहर जैसा ही टेस्ट। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये बैंगन को मैंने तेल से अच्छी तरीके से रैप कर लिया है, ताकि जो ये अच्छी तरीके ये जब पके ना, तो इसके ऊपर का छिलका आसानी से छूट जाए। ये मैं कट लगा रही हूँ, ताकि जब ये पके तो फटे ना गैस पर, और आसानी से पक भी जाए। तो ये चीरा लगाने के बाद मैंने इस तरीके का जालीदार फ्रेम लिया है। इस पे बैंगन, दो टमाटर और दो हरी मिर्च डालकर इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरीके से भून ना जाए। भूनने के बाद इसे कंटिन्यू हिलाते भी रहेंगे, ता एक साइड नहीं छोड़ेंगे। एक साइड छोड़ देंगे ना तो ये जल जाएंगे। तो इसे लट पलट करके कंटिन्यू सेकते रहेंगे तब तक, जब तक ये सिक ना जाए। जब तक ये सिक रहे हैं, हम धनिया की चटनी बनाने की तैयारी कर लेते थे। ये हमने धनिया लिया है डंठल के साथ, एक क्यूब अदरक का टुकड़ा, रफली चॉप किए हुए टमाटर, दो हरी मिर्च और लहसुन के दो कलियां डालेंगे। इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। पेस्ट पीसने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए कितना स्मूथ दिखाई दे रहा है। इसे कटोरी में डाल लेंगे। कटोरी में डालने के बाद इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। इसे डालकर अच्छी तरीके से मिला दें, जब तक नमक चटनी में अच्छी तरीके से ना मिल जाए। चटनी हमारी रेडी है। तो इतने में देखिए जो बैगन सिकने को डाला था ना, वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, थोड़ा पक चुका है। इसे फिर से पलट देंगे ताकि अच्छी तरीके से और पक जाए। कंटिन्यू इसे हम इलट पलट करके हम और पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इस जब तक ये अच्छी तरीके से पक ना जाए ना, तो इसका स्वाद नहीं आता है। जब तक ये पक रहे हैं, इधर हम प्याज लहसुन अदरक भी अच्छी तरीके से चॉप कर लेते हैं। प्याज को बिल्कुल बारीक अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। इसी तरीके से लहसुन अदरक हरी मिर्च बाकी जितने भी जो सामान डालेंगे ना, उसको बिल्कुल बारीक काट लेंगे कुछ इस तरीके से। और आटा भी अच्छी तरीके से, जो नॉर्मल आटा हम मलते हैं ना, उसी तरीके से आटा भी अच्छी तरीके से मल लेंगे। ये हमारे जो बैगन है अच्छी तरीके से पक चुका है, तो ऊपर से हम ठंडा पानी डाल देंगे, जो क्योंकि जो इसका ऊपरी परत है ना, वो आसानी से हट जाए, चिपके ना। तो देखिए जब पानी डालने से ही अच्छी तरीके से हट भी रहा है। जब इसके सारे छिलके हटा लेने, तो ऊपर से हम क्या करेंगे ना, फिर से पानी डाल देंगे, जिससे इससे कालापन कहीं कहीं रह जाता है ना, वो अच्छी तरीके से हट जाए और बिल्कुल ही इस तरीके से साफ दिखाई दे। तो इस तरीके से साफ दिखाई देने का इसका डंठल काट देते हैं। जो टमाटर थे उसको भी अच्छी तरीके से छील लिया है, बारीक कटा हुआ प्याज, अब बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ भी बारीक कटी हुई, ऊपर से हरा धनिया डालकर अब इसमें टेस्ट दो बॉयल आलू डालेंगे। दो बॉयल आलू डालने के बाद जब तक ये ना डले ना, तो इसका चोखे का स्वाद नहीं आता। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल डालने से इसमें बहुत ही अच्छा चोखे का स्वाद आता है। डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद देखिए कंटिन्यू जब हम मैश कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे लिट्टी चोखे का चोखा बनकर तैयार है कुछ इस तरीके से। अब इसे हम एक तरफ रख देंगे, इधर हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो ये मैंने सत्तू लिया है, चने का सत्तू। तो ये बाज़ार में मार्केट में रेडीमेड भी आसानी से मिल जाता, ना मिले तो जो भुने हुए चने हैं ना रोस्टेड, उसको हम मिक्सी में पीस लेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, हरी मिर्च लहसुन अदरक के बारीक कटे हुए, और इसमें हम जो अदरक अचार है ना, अचार के जो घर से बना हुआ अचार या जो बाहर का रेडीमेड कोई भी अटाच खटास के लिए डालनी हो, इसे बारीक काट लेंगे और डाल देंगे। कलौंजी डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और ऊपर से फिर खटास के लिए हम नींबू डालेंगे। नींबू से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सारे मसाले जो हमने जितनी भी सामग्रियां थी सभी डालने के बाद ऊपर से अब ऐड करेंगे खूब सारा हरा धनिया और सरसों तेल। सरसों तेल डालने से इसमें बहुत ही अच्छी टेस्ट और खट्टापन बरकरार रहता है। इसे अच्छी तरीके से मिला दें। मिलाने के बाद ये जब सारे पेस्ट अच्छी तरीके से इसमें सब मसाले ये सब मिल जाएगा ना, तो ये खाने में इतने टेस्टी लगेगा ना कि आप इसमें इमेजिन नहीं कर सकते इसकी खटास का। देखिए मैं इसमें टेस्ट करके भी देख रही हूँ, तो इतना टेस्टी अभी से लग रहा है। तो सोचिए लिट्टी में जलने के बाद कितना टेस्टी लगेगा, बिल्कुल परफेक्ट। इधर आप देख सकते हैं आटा भी अच्छी तरीके से मिल चुका है, बिल्कुल रेस्ट ले चुका है। तो इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, जैसे हम पूड़ी की बनाते हैं ना उसी तरीके से, क्योंकि आटा ज़्यादा रखेंगे ना तो इसमें लिट्टी का स्वाद नहीं आएगा, सिर्फ आटे आटे का आएगा। छोटी छोटी लोई बनाने के बाद ये हमने इसे इस तरीके का कंटोरी नुमा बना लेंगे। इस तरीके से बारीक बारीक फैलाएंगे। जब आटा अच्छी तरीके से फैल जाएगा ना इस तरीके कटोरी नुमा बनाने से, तो सिर्फ इसकी स्टफिंग में सिर्फ लिट्टी के ये जो हम स्टफिंग
डाल रहे हैं ना, उसका स्वाद आएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने कितना सारा स्टफिंग डाला है कि सिर्फ स्वाद ही आए इसमें अच्छी तरीके से। इसे कोने से पकड़ पकड़ के इस तरीके से इसे सारे कोने को इकट्ठा करके एक डो बना लेंगे, और इसे हथेली के से ना हम पुश करेंगे ताकि अच्छी तरीके से फैल जाए इसमें लिट्टी में, कुछ इस तरीके से। देखिए इसी तरीके से मैं आपको एक बार और करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आटे को अच्छी तरीके से कटोरी नुमा बनाने के बाद, इसमें सारी स्टफिंग डालने के बाद, इसे सारे कोनों को इकट्ठा इस एक हाथ से इसे दबाएंगे और सारे कोने को इकट्ठा करते जाएंगे, और इकट्ठा करने के बाद इसे सारे ज्वाइंट को एकदम इकट्ठा करने के बाद इसे हाथों से इकट्ठा पुश कर देंगे, और ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे हमारे लिट्टी बनकर तैयार है। तो अब इसे हम आग पे नहीं तवे पे सेकेंगे। तवे जब आप कहीं भी हो इस तरीके से बनाकर आप इंस्टेंट बनाकर खा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आग ही हो। देखिए मैं इसे तवे पर भी बनाकर दिखाऊंगी, बिल्कुल इसका स्वाद वही आएगा जो हम स्ट्रीट स्टाइल या गांव में खाते हैं ना लिट्टी चोखा, उसी तरीके का स्वाद आएगा, फ़र्क कुछ नहीं होगा। जब एक तरफ से इसे सेक जाए तो इसे अलट पलट कर कर सेक देंगे सेकेंगे ताकि ये एक तरफ से ज़्यादा ना सेक जाए। देखिए कुछ इस तरीके से सारे को मैं लिट्टी को अच्छी तरीके से पलट रही हूँ। पलट कर सेकने से ये बिल्कुल अच्छी तरीके से चारों तरफ से सेक जाएंगे। फिर से हम इसे ढक कर रख देंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट ही सेक चुके हैं। तो मैं इसमें एक और स्टेप ऐड करी थी इस तरीके का जालीदार, पर हम सारे लिट्टी जैसे हम बिल्कुल आग में भुनी हुई लिट्टी खाते हैं ना, वो तो स्वाद आ जाएगा। सारे लिट्टी को एक एक करके डालने के बाद इसे हम अलट पलट करके वही स्टेप करेंगे जो हम आग पे उस पर करते हैं ना, अलट पलट करते हैं। देखिए बिल्कुल वही कलर भी आ रहा है। जब तक इस तरीके का लिट्टी का कलर ना आ जाए तो खाने का मज़ा भी लिट्टी का नहीं होता। तो इसे अलट पलट कर एक एक करके हम पलटेंगे और बिल्कुल परफेक्ट लिट्टी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, और देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इस तरीके की लिट्टी हमारी बनकर तैयार है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो देखिए एक प्लेट में हम जैसे चोखा और जो चटनी हमने तैयार की थी वो डालकर, और एक इस तरीके से डालकर घी में जब तक लिट्टी को ना अलट पलट कर ना तैयार किया जाए तो मज़ा ही नहीं आता। देखिए घी में डालने के बाद ये एकदम परफेक्ट लिट्टी चोखा बनकर तैयार है, और देखते ही मुँह में पानी आ जा रहा है कि हाँ। फटाफट इसे आप बनाइए इसी तरीके से, देर ना कीजिए और इसका मज़ा लीजिए। देखिए मैं इसमें तोड़ का भी दिखा रही हूँ। देखिए स्टफिंग इसकी कितनी भरी भरी है, आटे की लेयर तो इसमें दिखाई नहीं दे रही है, और बिल्कुल स्टफिंग से भरपूर। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, खाने में टेस्टी और बनाने में बिल्कुल आसान। कहीं भी हो आप इसे घर पर बहुत ही आसान तरीके से बनाकर खा सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स और शेयर कीजिए।